सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप उसे छुटकारा पाएंगे। दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं, 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर, क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना, तो फिर शर्माते क्यों हो बताओ ना, निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है, उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं। और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना, उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है
वो आपको पूर्णता नहीं देता है। हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उस तरफ जाएंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं घर में बड़ा दसवीं बारहवीं बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, नहीं भाई अगले साल कुछ नहीं है, वो दसवीं में है, वो अगले साल कुछ नहीं है, वो बारहवीं में है, ऐसा ही चलता है घर में। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी, क्यों? एग्जाम है, दसवीं की एग्जाम है, बारहवीं की एग्जाम है। अगर हम इतने जागरूक होकर के टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए, धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा। उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में माँ बेटा बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी ही बात बता रहा हूं, माँ भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। देखा होगा आपने घर में सब बैठे हैं साथ में, लेकिन हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है, वो उधर देख रहा है ये इधर देख रहा है, यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा जी? पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे, अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां है इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है, घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए, ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे बातें करेंगे, नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर का अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो आप मोबाइल बाहर के आओ, यहां ऐसे बैठो। आप देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो।